विजुअल स्टूडियो खोलना तो सबको आता ही है, और नहीं आता तो फिर मेरा कोई गलती नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं बता दिया हूँ 1000 बार। लूप करता क्या है, लूप के बारे में डेफिनेशन सब कुछ ऊपर थ्योरी में बता ही दिया, ठीक है? तो टाइम को बिना बर्बाद किए, ठीक है, शुरू से आखिरी तक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, राइट? तो सबसे पहले वाइल को देख लेते हैं, ठीक है? वाइल हो गया, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आई, और फिर नहीं, पहले बना लेता हूँ वेरिएबल्स में, फिर डीम आई इक्वल टू 10 नहीं 1 दे देता हूँ, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, इंड वाइल, फिर कंसोल डॉट राइट लाइन, डॉट राइट लाइन, इसमें क्या दे दूंगा मैं, आई दे दूंगा, राइट? तो क्या हो जाएगा, उतने बार चल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन एक बार मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, रीड लाइन कर लिया, क्या मैं लिख रहा हूँ, रीड लाइन हो गया, राइट? अब जरा बताओ कि इसका आउटपुट आएगा क्या, आउटपुट क्या आएगा? प्रैक्टिकल किए ना, कल प्रैक्टिकल किए, यही आएगा आउटपुट। अब ये बताओ, ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं कैसे, ये कैसे सॉल्व होगा बताओ? कल प्रैक्टिकल किए ना सब लोग, तो फिर सॉल्व कैसे करूं? अब 1111 दिखा रहा है, नहीं पता, अरे प्लस तो करना पड़ेगा ना, ऐसे, ठीक, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी इस ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ तो मैं बताइए दिया हूं, ठीक है? मतलब सीधा सा है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है? ये जो है ना, ये शॉर्टकट है, ठीक है, मैं इस्तेमाल यही करूंगा, इसको नहीं कर रहा हूं, ठीक हो गया। उल्टा गिनती चाहिए तो यहां पर कर दो 100, यहां पर कर दो 1, फिर यहां पर क्या कर दो, ठीक है, रन कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है? तो सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद मान लो मुझे टेबल प्रिंट करना है, राइट? यहाँ पे 5 लिख दिया, यहाँ पे क्या कर दूंगा, 50 कर दूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, 5 कर दूंगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपने प्रैक्टिकल भी किया है शायद, तो पता होगा, आ गया, ठीक है? उल्टा टेबल प्रिंट करने का है तो क्या होगा, सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे 5 ही कर देंगे, यहाँ पे बदल के ऐसे कर देंगे, इसे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे ऐसे, हो गया, हो गया ना? तो ये तो बिल्कुल आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत आना चाहिए किसी को, ठीक है? अब मान लो आपको यूजर से इनपुट लेके टेबल प्रिंट कराने हैं, राइट? तो क्या होगा, तो 5 यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, ये अंग्रेज लोग कहाँ से गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इंटीजर, कंसोल डॉट रेड लाइन कर दिए, ठीक है? जितना ये खर्चा कर रहे हैं सर फालतू के टर्टर करने में, उससे अच्छा देश का विकास करते, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे ए को मैं पास कर दिया, राइट? इससे क्या होगा, होगा कुछ नहीं, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, ए मल्टीप्लाई 10, ठीक है? तो यहाँ पे 5 आएगा तो 5 × 50 हो जाएगा, 6 आएगा तो 6 × 60 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे, राइट? बस बन कर रेडी है सब कुछ। यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, कंसोल डॉट रीड राइट लाइन, ठीक है? क्या इनका लॉजिक है, ऐसे ही पड़ाका फूटता रहा तब तो हो गया, हार्ट अटैक कर जाएंगे। इंटर नंबर, ठीक है, नंबर, राइट? अब क्या होगा, देख लेते हैं क्या होता है।
मैं डालता हूँ यहाँ पे 7, एंटर किया, आ गया ना टेबल 7 का, फिर रन कर देता हूँ 6 कर देता हूँ तो 6 का टेबल आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर लेंगे अपने, ठीक है। अब वाइल के बाद आप यहाँ पे चाहो ना तो ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ फिर ये हुआ। थ्योरी में तो 1000 बार बताइए दिया हूँ मैं, तो नहीं सोच चाहता मैं कि यहाँ पे भी 1000 बार बताऊँ, ठीक है। आ गया, इसके बाद डू लूप से करने का, तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डू लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दूंगा, नहीं खींचो अभी, ठीक है, आखिरी में खींच ले रहा। अब ये लूप पे मैं बदल दिया, ठीक है, ये क्या हो गया, डू वाइल हो गया, ठीक है। काम सेम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्रामिंग में, काम पूरा सेम ही कर रहा है, देख लो आप, ये लो कर रहा है ना सेम, बस सब कुछ वही है। अब मैं चाहूं ना तो इसको यहां से कट करके इसको ले लाऊं यहां, ठीक है, ये तो रन कर दूंगा ना तो क्या होगा, ये फिर रन कर दो इसको, ठीक है, फोर कर दे, आ गया, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो इसमें अब आने नहीं चाहिए। अब मान लो डू लूप हो गया, वाइल लूप हो गया और जो जो लूप था हो गया, ठीक है। अब जैसे इसी को फॉर लूप से करना है तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। लूप हो गया, वाइल, इसमें कंडीशन यहाँ पे देंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बस एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, एक कंडीशन जो है आखिरी में चेक करता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो आखिरी में कंडीशन चेक करता है, और इस लूप में एक बार एक्स्ट्रा चल जाए, एक्स्ट्रा नहीं कहता मैं, एक बार लूप चल ही जाएगा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ठीक है। इस लूप में एक बार आपका चल ही जाएगा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ठीक है, बाकी कुछ अंतर नहीं है किसी में भी। अब सिंपल इसी को मैं दे देता हूँ फॉर लूप में, ठीक है, ये लूप में तो दिक्कत आने नहीं चाहिए। चलो फॉर लूप देख लेते हैं, फॉर फिर क्या उसे कहते हैं, आई इक्वल टू कर देता हूं मैं 1, 2, 10 कंसोल डॉट राइट लाइन ऐसे, फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, आई को प्रिंट करा दूंगा मैं सीधा, ठीक है, देखना क्या होगा। ये दोनों लाइन का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मैं हटा दिया, ठीक है, यही होने थे, हो गए, ठीक है। 100 कर दो ना तो 100 तक प्रिंट करेगा, ठीक है, आ गया, क्लियर है ना, तो दिक्कत तो इसमें आने नहीं चाहिए, ठीक है। थ्योरी में भी आपको बता ही दिया हूँ, इसमें एक आखिरी है स्टेप का, ठीक है। तो स्टेप का इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे मुझे उल्टा गिनती प्रिंट करने हैं ना, तो इसको कट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लाएंगे इसको, यहाँ पे कर देंगे 1, उल्टा गिनती कैसे प्रिंट होगा, 100 में 1 माइनस कर दूं तो 99, 99 में 1 माइनस कर दूं तो जो आना चाहिए आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर दूं और रन कर दूं, तो कुछ इस तरीके से आ गया। तो सारे लूप में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, सारे लूप में सब कुछ पॉसिबल है, बस एक्सेप्शनल केस पे कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि वाइल से हो जाएगा फॉर से नहीं होगा, फॉर से हो जाएगा वाइल से नहीं होगा, लेकिन वो बहुत रेयर केस में ऐसे होते हैं, बहुत रेयर केस में, एक्सेप्शनल केसेस में होते हैं, बाकी सारे लूप से सब कुछ हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे आपको टेबल प्रिंट करना है, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे कर दिया 14, ठीक है, फिर यहाँ पे कर दिया क्या, स्टेप में कर दिया 4, ठीक है, सीधा इसको मैं रन कर दूंगा, ठीक है। इससे हो क्या रहा है, सबसे पहला चीज कहां से चलना है आपको, तो आई से चलना है, मतलब 4 से जाना कहां है, तो 40 तक जाना है। स्टेप कितना बढ़ाना है, तो आपको यहां पे स्टेप देना है 4, तो आई में पहले 4 था तो 4 और 4 8 हो गया, फिर आई में आ गया 8, फिर 8 में 4 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो जो होगा सो बस 40 तक चल जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत फिर किसी को आने चाहिए, नहीं आएगा ना, क्लियर। जो लाइन हटाया था, ठीक, अच्छा कॉपी पेस्ट मार दिया। यहाँ पे आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले लो, कंसोल डॉट राइट लाइन
इंटर नंबर, फिर टीम एन एज एन टीजर, अरे क्या मैं लिख रहा कंसोल डॉट रीड लाइन हो गया। यहाँ पे हम क्या दे देंगे एन, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा है ना, यहाँ पे तो बदलता रहता है। अगर 4 का मैं प्रिंट कर रहा हूँ टेबल तो 40 होना चाहिए, 5 का कर रहा हूं तो 50 होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, n मल्टीप्लाई 10। n में ही आएगा ना कि किसका टेबल प्रिंट करना है, तो जिसका टेबल प्रिंट करना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पूरा कर देंगे 10 से। यहाँ पे स्टेप कितना जाना है, n तक चले जाओ, मतलब जितना जितने का टेबल है। रन कर देता हूं प्रोग्राम, चलने तो चाहिए। आ गया, ये ले लो, फिर यहाँ पे ये रन कर देता हूं मैं 8। आ गया ना, तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उल्टा टेबल भी प्रिंट हो ही जाएगा इससे, पर ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करोगे, ठीक है। खत्म हो गया सारा ना। अच्छा, वो नेस्टेड वाला थोड़ा सा बाकी रह गया ना, चलो देख लेते हैं नेस्टेड का क्या लॉजिक है। यहां पे कर देता हूं मैं 1 2 5 एंटर, फिर 4 आई इक्वल टू 1 2 5 एंटर। आई एक बार बन चुका है तो यहाँ पे एम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। अब स्टार प्रिंट कराने का ना हमको, तो स्टार वेट यहाँ पे 5 ना दे करके ना मैं आई दे रहा हूँ, आई तक चले, ठीक है। अब प्रोग्राम बिल्कुल सही है, मैं चला देता हूँ, ठीक है। थोड़े से प्रॉब्लम आएंगे पर वो प्रॉब्लम आने के बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या है, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ये वाला लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, फिर चला रहा हूँ मैं, ठीक है। एक ही लाइन में अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, तो लाइन ब्रेक हमें नहीं करने का, ये ले लो, ठीक। अब देखते हैं क्या आएगा, देखना, एक ही लाइन में टोटल आ गया ना, तो अब क्या करने का, लाइन ब्रेक कर देने का, कैसे, कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेते हैं, छोड़ो ऐसे ही कर देते हैं। आ गया स्टार, ठीक, तो इस तरह से स्टार आ जाएगा, यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा तो आई का वैल्यू 1 होगा, तो ये एम में 1 है तो 1 से 1 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर दूसरा बार में जब लूप चलेगा, ठीक है, तो फिर आई में आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये चलता जाएगा। थ्योरी में तो बता ही दिया हूँ पूरा, क्लियर, तो दिक्कत तो आ रही नहीं चाहिए। अब 1 2 3 प्रिंट करने हैं, ठीक है, आई कर दो यहाँ पे तो 1 होगा, फिर 1 2 होगा, फिर 1 2 3 होगा, फिर 1 2 3 4 5 हो जाएगा ऐसे, राइट। सिर्फ यहाँ पे आई लिखने हैं, आई के बाद यहाँ पे क्या कर दो, एम कर लो, तो देखना क्या होगा, ये आता है।